बड़ा हीरो समझता है क्या जो उसे रोज देने चला गया? ठीक है, वर्कआउट हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छे से वर्कआउट हो गया ना। अरे यार, क्यों मेरी इज्जत निकाल रहा है? ये सब करके तुम उस पे लाइन मार रहे हो ना? हाँ। और इसमें तुम्हें खुशी मिल रही होगी? हाँ। अब अपनी खुशी को मिट्टी में मिलाना चाहते हो? नहीं। लुक, मेरे पास बहुत काम है, ओके? लव के लिए ना मेरे पास टाइम है ना मुझे ये सब पसंद है। बाय। एक्सक्यूज मी, एटलीस्ट आपका नाम जान सकता हूँ क्या? अदिति। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर प्लीज। वन प्लेट इडली, वन प्लेट वड़ा, वन आइस टी। सर, ईच वन प्लेट? सर, वन प्लेट इडली, वन प्लेट वड़ा, वन आइस टी सर। क्यों, सिंगल सिंगल ऑर्डर दे रहे हो? क्या हुआ, तुम मुझे भूल गए ना? बोलो ना, भूल गए ना मुझे? तुमने तो कहा था नहीं आओगी। बोला तो था पर कोई रास्ता नहीं था। दूसरा कोई नहीं मिला इसलिए आयु बता दो। हे यू, तुम अकेले अकेले दुखी हो रहे थे इसलिए मैं आई हूँ और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। प्लीज स्टॉप, रुको, मत करो। प्लीज जल्दी को, वेटर सब दो प्लेट लाना। क्या हो गया? मुझे मेरा बर्थडे याद आ गया। हर साल मेरा बर्थडे कब आएगा कब आएगा, मैं वेट ही करती रहती थी। कम से कम इस साल तुम तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो ना, बताओ मुझे। ऐसा क्यों बोल रही हो? कल को मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। कल जो होगा देखा जाएगा, मैं तुम्हारा बर्थडे आज ही मनाऊंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम, मेरा बर्थडे तो नेक्स्ट मंथ 9th को है। बर्थडे को ही बर्थडे सेलिब्रेट करना, ऐसा कोई रूल नहीं है। थैंक यू। केक कट क्यों नहीं किया? मुझसे नहीं हो रहा। क्यों क्यों नहीं हो रहा? ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन क्यों? कहते हैं कि आत्मा की ख्वाहिश पूरी होने के बाद आत्मा वापस चली जाती है। अगर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी और कल को तुम्हें कुछ हो जाता है तो कम से कम आत्मा के रूप में तो तुम मेरे साथ रहोगी। तुम हमेशा मेरे साथ रहो। डार्लिंग, पतली कमर, मेरी जान। ओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार, जल्दी बता देना कहाँ है वो। जब से तुमने बोला मुझे फीलिंग हो रही है यार। हाँ, अरे बोलना कहाँ है वो, कहाँ है बोलना। ऊपर है, अच्छा ऊपर है, ऊपर मेरा वेट कर रही होगी। अरे मेरी पतली कमर कहाँ है? पूरी बॉडी का ब्लड गर्म हुआ जा रहा है। अगर वो मुझे मिल गई ना तो मैं उसको अपने बाहों में ऐसे भर कर चुम्मा दूंगा इस तरह। मैं इसे सच में दिखाई नहीं दे रही हूँ ना, या फिर ये भी तुम्हारे साथ मिलकर ड्रामा कर रहा है? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू वहाँ किससे बात कर रहा है? अरे वो बगल में तो खड़ी है। अच्छी तरह देख।
मेरे सामने तो कोई नहीं है। अच्छा मुझसे मजाक कर रहा है क्या? किससे बात कर रहा था बोल। वो तुम्हें दिखाई नहीं देगी, वो अब सिर्फ मुझे ही दिखाई देगी। अरे बाप रे, कहीं तेरा मतलब वो है क्या? क्या वो चुड़ैल है क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना। अरे बाप रे, मुझे बचाओ। अरे मुझे इस चुड़ैल से कोई बचाओ। मेरे भगवान, मैं क्या करूं? अरे ओ भगवान, आई आई ओ, डर के मारे मेरी भाषा भी बदल रही है। अरे यार, ये बाबा भूत प्रेत को भगाने में स्पेशलिस्ट है। इनके बाल और फ्रेंच दाढ़ी पर मत जा, ये बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। ढूंढिए सब, मुझे ढूंढिए। तू इन लोगों को एक्सपर्ट कहते हैं, मुझे तो किसी ड्रामे के एक्टर लगते हैं। जो विग पहने वो सुपरस्टार, और जो गले में माला डाले वो जूनियर आर्टिस्ट। ए, क्या हो रहा है ये सब? उससे कहो ये धुआं ना करे, वरना धुएं से पूरा घर काला हो जाएगा। ए, ये भूत भगाने के एक्सपर्ट है। अभी बताती हूँ। ए, मुझे भूत समझ के तुम मुझे यहाँ से भगाने का नाटक कर रहे हो? मैं पूछकर बताता हूँ। ए, ए, भूत प्रेत की जितनी फिल्में हैं, माय डियर लीसा, 1920, द रिटर्न, चंद्रमुखी, कांचना, वैसे भूत भी इनके सामने कुछ नहीं है, पता है? ए, इन सब भूतों को भगाने वाले सुपरस्टार थे। इनके बारे में ठीक से बात कर, इनके रिकमेंडेशन से ही काबू में किया था, जानता है? बड़ा आया बताने वाला, अब जरा चुप कर, समझा? ए, मैं भूत नहीं हूँ। हाँ, तुम इसको बताओ तो ये यकीन कर लेगा। ए, मैं यहाँ पर हूँ, तू वहाँ किससे बात कर रहा है? कौन है यहाँ पर? वही रात वाली लड़की। अबे क्या कह रहे तू? स्वामी जी, स्वामी जी, पकड़ लिया, पकड़ लिया। स्वामी जी, आपने भूत को पकड़ा है या चुड़ैल को पकड़ा है? आप ऐसे क्या दिखा रहे हो? ये कोई साधारण भूत नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक आत्मा है। इतने दिनों से तुम लोगों को परेशान कर रही थी ना, आज मैंने इसको पकड़ लिया है, अब ये परेशान नहीं करेगी। इधर आओ। हाँ बोलिए स्वामी जी। जैसा तुमने कहा था, मेरे अकाउंट में पैसे डाल देना। जब होगा तब डाल दूंगा स्वामी जी। अगर पैसे नहीं दिए तो भूत छोड़ दूंगा। ऐसा मत कीजिए स्वामी जी, मैं पैसे डाल दूंगा, जरूर डाल दूंगा। वो बकवास कर रहा है, वो तो यहीं खड़ी है। अरे बाप रे, इधर ही खड़ी है। हे भगवान, हे भूतों की रानी, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, जिसने किया है उससे जाकर पूछ ले। एक तो पहली मैं दीवार पर चलने वाले छिपकली जैसा हूँ, और अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मैं उससे भी बेकार हो जाऊंगा। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, पता नहीं कहाँ से ये लड़की पैदा होकर भूत बन के घूम रही है। ए काली, महाकाली, मंत्र काली, ये क्या कर रहे तू? बचा ले, मुझे बचा ले, महाकाली, भद्रकाली, महाकाली। तुम भूतों को देख सकते हो और मुझे यहाँ से भगाने के लिए ये सब कर रहे हो ना? अब मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे भगाते हो या मैं तुम्हें। देखते हैं। अरे ये देख, ये वही है क्या? हाँ वही है। अरे यार, ये दिखने में तो एकदम परी की तरह लग रही है भाई। अरे सुनो लड़की, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, कोई नहीं मानेगा कि अब तुम नहीं हो। कुमार, इसका नाम हमको पता नहीं है, चल इसका कोई नाम रखते हैं। है? नाम क्या रखें इसका नाम? डोरा कैसे रहेगा? डोरा क्यों, डांबर रख देते हैं ना, ये बहुत अच्छा लगेगा। ए गुस्सा क्यों कर रहा है? ऐसा नाम रख कि वो पुकारू नाम लगे यार। इस चेहरे के लिए चिंकी नाम अच्छा रहेगा। चिंकी? ए, ये तो बंदर का नाम है, मुझे ये नाम नहीं चाहिए। क्यों, चिंकी तो अच्छा नाम है ना। ओह क्या हुआ, वो नाम उसको पसंद नहीं है? अच्छा तो ऐसा करते हैं, अगले सप्ताह इसके परिवार वालों को बुलाकर बकायदा इसका नामकरण करेंगे और इसका नाम दीपिका रखते हैं। ए, बुला उसको, बुला उस चिंकी को, चल। ये खुद बंदर जैसा है तो मेरा नाम भी वैसा रखेगा। हाँ यहाँ पर है। पता है, पता है, इसलिए यहाँ रखा है। इसको एक बार चुम्मा दो। अब अगली हीरोइन करिश्मा के पास जाएंगे। ए, ए, अब जाएंगे करीना। भाई सर कहकर आवाज देते तो मैं ये ट्रीटमेंट बंद करके आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देता ना। आ जाओ, इससे ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं, चलो हम लोग डॉक्टर गिल के पास चलते हैं। क्या हुआ भाई साहब, क्या सोच रहे हो? नहीं, हमें डॉक्टर गिल से मिलना है। हम लोग? साथ में और कौन है? अरे आप तो अकेले हो, सिर्फ हाथ में चोट लगी है, दिमाग में भी लगी है। अंदर आ जाओ भाई साहब। नहीं नहीं, हम लोग डॉक्टर गिल से मिल लेते हैं। अरे भाई साहब, सुनो भाई साहब, देखो बड़ी मुश्किल से एक पेशेंट आया, उसको ऐसे जाने देंगे क्या? जाओ जाओ, उसे लेकर आओ। बैठो। अरे बैठ जाओ भाई साहब, डरो मत, बैठ जाओ। वैसे देखने में तुम्हें डॉक्टर नहीं लगता, लेकिन आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। हाथ दो, हाथ को ऐसे क्यों बांध कर रखा है, ट्रीटमेंट तो करने दो। हाथ दो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवः।
ये देखकर नहीं चल सकता क्या? ये ले भाई, तुम दोनों देखकर नहीं चल सकते, ड्यूएट गाना गाते हुए आ रहे हो, बात करते हो। बंद करो ये बकवास, क्या आरडी बर्मन हो क्या जो सोलो में गा रहे हो? मैटरनिटी में डिलीवरी रुक जाएगी। क्या उल्टी सीधी बात कर रहा है, तुम्हें पता हम किस गाँव से आए हैं? तुम लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों अलीबाग से आए हो। मेरा दिमाग तो सही है ना, कनेक्शन देने वाला जैसे लग रहा है तू। अरे पहले सॉरी, अब परेशान मत हो ना, मैं अनजाने में तुम लोगों से टकरा गया था, कहो तो मैं मसाज कर देता हूँ। यार ये अलीबाग के लोग मुझे पागल कर देंगे। अरे बाप रे, तो वापस आ गए। अरे बाप रे, मम्मी उस तरफ जाना। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर, हाथ आगे कीजिए। ये लो, ये क्या है? विभूति। ये पेमेंट है क्या? ये पेमेंट नहीं, प्रसाद है। आप लोगों को तकलीफ क्या है? सुनो, आपके पति ऐसे क्यों रो रहे हैं? अरे ये भी रोने लगी। ए सुनो, अब तुम्हारी पत्नी क्यों रो रही है? डॉक्टर, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां हम नहीं गए, ऐसा कोई मंदिर नहीं जहां हमने माथा टेका हो। समझ गया, तुम्हारी कोई औलाद नहीं है। देखो मैंने कहा था ना, डॉक्टर को मिलने से फायदा होगा, तुम समझते नहीं हो। डॉक्टर आप मानो, हमारी समस्या बताने से पहले ही आप समझ गए। आप डॉक्टर नहीं हो, आप तो भगवान हो। भगवान देखकर पता चल जाता है कि बिल्ली ने चूहे को पकड़ा या नहीं। रहने दो रहने दो, मेरी बात सुनो। ये बताओ तुम दोनों कहाँ काम करते हो? सुपरमार्केट में। कौन सी शिफ्ट में? मैं नाइट में काम करती हूँ, ये डे में काम करते हैं। तो फिर तुम दिन में सोती होंगी और रात में सोते होंगे। अच्छा है। एक बात बताओ, सप्ताह में एक लीव रहता है, उस दिन क्या करते हो? अपना मुंह बंद करो, अरे तुम्हें डॉक्टर किसने बना दिया? बैठो डॉक्टर साहब, सही कह रहे हैं, बैठो। और क्या डॉक्टर, सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलती है, उसको बेकार जाने देंगे क्या? वह खा पी कर जो चटाई बिछाते हैं, उसके बाद अगली सुबह तक। अगली सुबह तक क्या? सोते रहते। डॉक्टर आपने मुझसे तो कोई सवाल पूछा ही नहीं। जब ग्राउंड में बैट्समैन ही नहीं है तो सिंगल बॉलिंग करके क्या उखाड़ लोगी? ठीक है, मेरी बात सुनो, दोनों एक ही शिफ्ट में काम करो। डॉक्टर आप ट्रीटमेंट की बात करने के बजाय शिफ्ट की बात क्यों कर रहे हैं? सुनो, तुम्हें औलाद चाहिए कि नहीं? चाहिए डॉक्टर, मुझे तीन चाहिए। तो एक काम करो, इसे ले जाकर टेस्ट के लिए लेकर आओ। डॉक्टर मेरे लिए डब्बा? तुम्हें डब्बा क्यों चाहिए? ये कोई भगवान का प्रसाद है क्या जो सबको चाहिए? ले जाओ इसे। डॉक्टर साहब, ये टेस्ट होने के बाद बच्चा होगा ना? मैं ऐसा डॉक्टर हूँ कि जो कोमा में हो उसको ठीक करके बच्चा पैदा करवा सकता हूँ, भरोसा करो। डॉक्टर मुझे एक डाउट है। क्या? इसमें कैसे टेस्ट करेंगे? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नर्स, डॉक्टर साहब कह रहे हैं नर्स हमारी मदद करेंगे, चलो चलो। मेरा मतलब बोल रही है, चलो चलो। नर्स तू अपनी इज्जत बचा ले। मुहूर्त निकलने से पहले सारे टेस्ट करवा लेते हैं, जहाँ देखो सारा एक जैसा ही लग रहा है हॉस्पिटल में। आंखें बंद करके चल रहा है क्या अंधा कहीं का? अरे तुम बहुत बड़ी इलियाना ना होते जो तुमसे टकरा होता है। छोड़ो मुझे यार, हम लोग अच्छे काम के लिए जा रहे थे, बूढ़े से पहले तुमने टक्कर मार दी और ऊपर से अपनी होशियारी दिखा रहा है। मैं खुद यहाँ से बचकर भाग रहा, तुम जैसे मनहूस को देखकर भाग रहा हूँ। समझाती हूँ, सुनो दीदी सुनो, अभी मुझे छोड़ दो, अगली बार तुमसे मुंह देखकर टकराऊंगा। छोड़ने के लिए कह रहे हो? अगली बार अच्छा मुंह देखकर टकराएगा बोल रहा है ना? ऐसा बोल रहा है, सॉरी। ठीक है ठीक है, अरे रे क्या हो गया? मुहूर्त निकलने से पहले सारे टेस्ट करवा लोगे? चलो जल्दी चलो। अरे हॉस्पिटल में इस आंटी को छोड़कर दूसरी आंटी नहीं है, जब देखो इसी से टकराता रहता है। छोड़ो मुझे जाने दो। अरे मेरी जान। एक बात बताओ, जब देखो जब टकराते रहते हो कोई और काम नहीं है क्या? सुनिए जी, आप पहले अंदर जाइए, हमारा मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे बाप रे बाप, मैं अनजाने में टकराया था, मुझे जाने दो। तू जानबूझ के टकराया था, पहले जाने दे। मैं रही हूं, मैं रही हूं। अरे लगता है अभी हमें मार डालेगा। इसके हाथ में तो बंदूक है। अरे ये बंदूक लेकर हमारी तरफ क्यों आ रहा है? अरे गन आपकी तरफ नहीं, हमारे पीछे जो खड़ा है उसकी तरफ मार के खड़ा है। अरे तुम लोग चुप रहो ना, हमें छोड़ दो। अरे अपना टाइम निकलने वाला और तुझे भूत की पड़ी है। देखो मुझे बताना, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जल्दी जल्दी चलो भागो।